हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मसाला वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन फर्स्ट का एपिसोड नंबर 6। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर विजिट करके इसके फर्स्ट एपिसोड से शुरू कीजिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी और आपका इंटरेस्ट बनेगा। एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने से पहले एपिसोड 5 का थोड़ा सा रिकैप दिखाते हैं। Hey, I'm Todd. एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है वो मोटा सा आदमी जो गाड़ी से उतरता है, जिसका नाम टोड होता है। उसको देख के मेलिसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हेलो, मेरा नाम मेलिसा है। टोड कहता है कि मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं यहाँ से जाने ही वाला था, बट जो तुमने फायरवर्क छोड़े थे मैं उसको देखकर यहाँ पर आ गया। मेलिसा कहती है वो फिलिप ने छोड़े थे। फिर टोड कहता है कि थैंक यू सो मच फिलिप, अगर तुम वो फायरवर्क ना छोड़ते मैं कभी भी तुम लोगों से मिल नहीं पाता। तभी फिलिप कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये बताओ तुम्हें किसी जगह की डायरेक्शन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। टोड कहता है कि ओ माय गुडनेस, आई एम रियली सॉरी, क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। मेलिसा कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट फिलिप के फेस से साफ पता चल रहा होता है कि वो कैसा फील कर रहा है। फिर दिखाया जाता है कि फिलिप मेलिसा को थोड़ा साइड में ले जाकर कह रहा होता है कि मेलिसा तुम भूल चुके हो कि हम ये क्या करने आए थे, हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए। सिर्फ टोड उसी स्विच पर पैर रख देता, बट इस बार सिर्फ फायरवर्क नहीं फूटते, आवाज भी आती है जो फिलिप ने रिकॉर्ड की होती है कि दिस ऑर्गेजम वाज प्रोवाइडेड बाय फिलिप मिलर। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फिलिप केरल को बता रहा होता है कि यार मैं और मेलिसा कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर कोई मोटा सा आदमी आ गया। ये सुन के केरल बहुत खुश हो जाती है और कहते फिलिप ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मेलिसा उसके साथ सेक्स कर सकती है और हमारे बच्चों को आपस में सेक्स नहीं करना पड़ेगा। फिलिप कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो केरल, हम मेलिसा को फोर्स नहीं कर सकते हैं यूं ही किसी के साथ भी सेक्स करने के लिए। और कहता है कि ये वैसे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ पर एक पर्सन को हक है अपना सेक्स पार्टनर चुनने के लिए, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, बट हम जानते हैं वो इसलिए ऐसा कहता है कि वो खुद मेलिसा के साथ सेक्स करना चाहता है। केरल कहती है कि अच्छा ठीक है, ये हम मेलिसा पर छोड़ देते हैं और कहती है कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ये चारों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और टोड कहता है कि मैंने लाइव इंटक्शन के बोर्ड देखे वरना मैं मेक्सिको चला जाता। केरल कहती है कि क्यों तुम वहां क्यों जाते। टोड कहता है कि मैंने एक मूवी देखी थी जो मेरी फेवरेट मूवी है, उसमें एक पर्सन ऐसा ही करता है वो मेक्सिको चला जाता है। फिर मेलिसा कहती है कि अच्छा यार ये तो मेरी भी फेवरेट मूवी है। ये सुन के हमारा फिलिप कहता है कि हाँ मेलिसा ये तो मेरी भी फेवरेट मूवी है, बट जब मेलिसा उसके बारे में उससे क्वेश्चन पूछती है तो हमारे फिलिप को कोई भी जवाब नहीं आता और वो सोचता रह जाता है और मेलिसा कहती है कि देखा इसने फिल्म नहीं देखी है। अभी हमारा फिलिप टॉपिक चेंज करने के लिए और टोड की बेइज्जती करने के लिए कहता है कि यार टोड तुम ये बताओ तुम 350 पाउंड के हो कि 300 पाउंड के हो। टोड कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी में ओवरवेट और फैटी रहा हूँ, दरअसल जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे और मैं डिप्रेशन में चला गया था, तो उससे डील करने के लिए मैं बहुत खाना खाने लग गया था, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया। ये सुनके दोनों लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं। फिर टोड कहता है कि अच्छा यार मैं अब चलता हूँ, तुम लोगों से अच्छी मीटिंग हुई, मैं तुम लोगों को अच्छा जान पाया, ये कहकर टोड वहां से चला जाता है। फिर सीन नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि केरल एक ड्रायर से कार्ड सुखा रही होती है और फिलिप पूछता है कि ये क्या है केरल, तो केरल बताती है हम आउटिंग करने जाएंगे हम चारों, बट जब जाने लगेंगे तो हम दोनों कहेंगे कि हम दोनों नहीं जा रहे हैं और उन दोनों को भेज देंगे ताकि वो क्लोज आ जाएं। फिलिप कहता है कि यार ये क्या बकवास का प्लान है, खुद सोचो कि मेलिसा इतनी ब्यूटीफुल टॉल है और वो उस टोड के साथ कैसे एक हो सकती है। दिखाया जाता है कि फिलिप मेलिसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मेलिसा कैसी हो तुम, तुम्हें पता है मैंने सारी रात बैठ के तुम्हारी फेवरेट मूवी देखी और मुझे एक एक चीज पता है, तो बताने लग जाता है कि कौन सा कैरेक्टर किस एक्टर ने प्ले किया है और उस मूवी के डायलॉग बोलने लग जाता है ताकि मेलिसा उससे इम्प्रेस हो सके। पर तभी एक स्लिप नीचे गिर जाती है, जिस स्लिप से देखकर फिलिप ये सब डायलॉग वगैरह बोल रहा होता है और मेलिसा को पता चल जाता है इसने मूवी नहीं देखी है, पहले से लिख के लाया था, और वो निराश हो जाती है और वो अपना दरवाजा बंद करने वाली होती है और फिलिप कहता है कि क्वेश्चन का जवाब दे दो कि हम रीपॉपुलेशन पर बात करेंगे कि नहीं। मेलिसा कहती है कि नहीं करेंगे, वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि टोड केल के घर आता है और कहता है कि मैं आउटिंग के लिए तैयार हूं, जहां पर मेलिसा भी होती है, और केल कहती है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आज क्या क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। तभी केल एक्टिंग करने लग जाती है कि जैसे उसे वॉमिटिंग आ रही हो और एक पॉट के पास जाकर उस पर सूप डाल देती है और ऐसी आवाजें निकालने लग जाती है कि जैसे वो सच में वॉमिटिंग कर रही हो, और दूसरी तरफ मेलिसा और टोड को ऐसा लग रहा होता है कि हम नहीं जा पाएंगे यार। तभी वहां पर फिलिप भी आ जाता है और केरल कहते हैं कि देखो फिलिप मैं बीमार हूँ, मैंने उल्टियां भी की है, इन दोनों को आउटिंग पर जाने देते और तुम मेरा ध्यान रख लेना। फिर टॉड और मेलिसा अकेले ही आउटिंग पर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो दोनों एक फैमिली फन टेटोरियम पार्क में जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और गाड़ियां वगैरह चला रहे होते हैं और फिलिप ये सब दूर से देख रहा होता है और जल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों थोड़ा एक दूसरे के पास आके गोल्फ खेल रहे होते हैं। ये देख के फिलिप कहता है कि डूड इतने पास मत आओ तुम उसके, तुम सिर्फ फ्रेंड जोन हो। फिर दिखाया जाता है वो एक दूसरे को कैंडी खिला रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं।
फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। ये देख के फिलिप की पूरी फट जाती है, जो कि उसके फेस से साफ पता चल रहा होता है। और यही सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पर, जहाँ फिलिप और केरल धोते धोते एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और केरल बताती है कि मैंने मेलिसा और टॉड के लिए एक न्यू डेट प्लान की है, बट फिलिप कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है, तुम सही नहीं कर रही हो। केरल कहती है कि ऐसे ही वो दोनों पास आएंगे और वो भी हमारे पास चारा नहीं, हम क्या करें। पर तभी फिलिप अपनी बात बदल देता है और कहता है कि हम भी वहीं चलते हैं ताकि हम श्योर हो सकें कि वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पर हमें पता है कि फिलिप के दिमाग में ये चल रहा है कि वो दोनों को क्लोज आना ही ना दे, इसलिए वो केरल को भी मना लेता है कि वो खुद भी वहां जाएगा और केरल भी जाएगी। सीन शिफ्ट होता है टेनिस कोर्ट पर, जहां पर फिलिप अपनी टी शर्ट उतार देता है ताकि वो टॉड की बेइज्जती कर सके, और उसको भी कहता है टॉड तुम भी उतारो ताकि पता चल सके हम कैसे खेलते हैं। टॉड डर रहा होता है और उतार नहीं रहा होता है। फिर टॉड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और मेलिसा उसके पेट पर कुछ देख रही होती है। फिलिप को लगता है कि यार ये उसका मजाक उड़ाएगी, बट मेलिसा उसके निशान देख रही होती है कि उसके निशान क्या है, और पूछती है ये क्या है। फिर टॉड बताता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, मेरा एक भाई था। फिलिप समझ आता है कि उसका पासा उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि टॉड फिर से कोई ना कोई बात बताएगा, दोनों लड़के इमोशनल हो जाएंगी। और फिलिप कहता है कि आओ यार खेलो, पर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। दोनों लड़कियां सिर्फ टॉड की बातें सुन रही होती है। टॉड बताता है कि उसके भाई की दोनों किडनी फेल हो गई थी और टॉड को एक किडनी देनी पड़ी थी, बट किडनी देने के बावजूद भी उसका भाई नहीं बचा। ये याद करके टॉड इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है और कहता है कि रुको मैं आता हूँ। और मेलिसा कहती है कि टॉड रुको मैं भी तुम्हारे पीछे आती हूँ। ये देख के फिलिप भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं भी उनको देख रहा था वो कहाँ गए हैं। पर जब फिलिप वहां पर पहुंचता है उसकी बहुत ही ज्यादा गंदे वाली फट जाती है, क्योंकि मेलिसा और टॉड वहां पर किस कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जहाँ पर फिलिप मेलिसा के घर जाता है और कहता है कि मेलिसा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो कहने लग जाता है कि मेरी फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा मोटे लोगों से थी, मैं अकेला ही स्किनी था और मेरे सारे फ्रेंड मोटे थे, और मुझे इनकी कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ पता है। ये लोग सिर्फ मतलब के लिए पास आते, इनमें कोई भी इमोशंस नहीं होते, और सेक्स करने के अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं चलता होता है, और तुम टॉड के साथ ज्यादा मत घुमा करो प्लीज। और लास्ट में कहता है कि कभी भी मोटे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मेलिसा कहती है कि तुम सच में बहुत बड़े चूतिया हो, और अपना दरवाजा बंद करके चले जाती है। पर फिलिप उसके दरवाजे के बाहर खड़के मेलिसा चिल्लाता रहता है, बट मेलिसा नहीं आती है। फिर फिलिप कहता है कि मुझे माफ कर दो यार, मैं 2 साल से अकेला रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। मैं स्पोर्ट्स बॉल से बातें करता हूँ जैसे हम इंसान से बातें कर रहे हैं, और मैं भूल चुका हूँ कि कैसे किसी का ट्रस्ट गेन करते हैं और कैसे इंसानों से बातें करते हैं। फिर मेलिसा बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम सच में स्पोर्ट्स बॉल से बातें करते हो। फिर दिखाया जाता है कि फिलिप मेलिसा अपने बॉल फ्रेंड के साथ इंट्रोडक्शन करवाता है, और मेलिसा भी सबको हाय कहती है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। फिर मेलिसा कहते हैं कि फिलिप तुम एक अच्छे इंसान हो, बट मेरे साथ ऑनेस्ट रहा करो, झूठ मत बोला करो। फिर फिलिप एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि मेलिसा आज मैं तुम्हें सच बता ही दूंगा। और वो कहता है कि वो सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं इतना इंतजार कर रहा था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुमने मेरी सांसें छीन ली थी, और जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मैं सिर्फ इनमें डूब ही जाता हूँ, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को पा लिया है। और वैसी बातें कर ही रहा होता है, फिर वो कहता है कि मेलिसा क्या तुम भी मेरे बारे में सेम फील करती हो? बट मेलिसा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर फिलिप पूरा का पूरा निराश हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो कहता है कि ये सारी बातें मैंने केरल को कहनी है, तुम्हें क्या लगता है कि केरल क्या कहेगी? मेलिसा कहती है कि हाँ वो मान जाएगी, पर मेलिसा भी जानती है फिलिप अब झूठ बोल रहा है। फिर फिलिप कहता है कि हाँ मैंने ये सभी केरल को ही कहनी है, मैं तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था। और इतना कहकर फिलिप वहां से चला जाता है, और उसके फेस से साफ पता चल रहा है कि फिलिप की कितनी फटी पड़ी है। और यही हमारा एपिसोड से खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइज। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड्स भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।